नमस्कार, मैं हूं नेहा कौर शासन और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आइए नजर डालते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की। बलरामपुर में पुलिस की अमानवीयता आई सामने। सब इंस्पेक्टर ने बेरहमी से पीटा युवक को, फिर युवक पर तान दी सर्विस रिवॉल्वर। सब इंस्पेक्टर को किया गया निलंबित। जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। सरकारी अस्पतालों में दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। उन्नाव जनपद के तहसील सफीपुर में ग्राम दराब नगर ग्राम पंचायत का मामला है। आपको बता दें कि पूरे गांव में गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। यहां के निवासियों का कहना है कि प्रधान नहीं सुन रहे हैं ग्रामीणों की बात। बुरहानपुर जिले में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में और पहाड़ों में हो रही बारिश से ताप्ती नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, तो वहीं सिविल में पांधार नदी में बाढ़ आने से गांव जलमग्न हो गया है। घरों में और मंदिरों में घुस रहा है पानी। हरिद्वार में अपर पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड देहरादून महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई कावड़ मेले में की बिफरिंग। शिकारपुर में अमानवीयता की हद पर हुई पार। शिकारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर, मरीज को कंधे पर उठाकर एम्बुलेंस तक ले गए। आज हल्द्वानी महानगर में हिंदूवादी संगठनों ने एक विशाल जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान सभी संगठनों ने भारत माता की जय, श्री रामचंद्र की जय और वीर बजरंग बली की जय, नुपुर शर्मा जिंदाबाद के नारों का उद्घोष किया। मुंबई ठाणे के साथ साथ भिवंडी में हो रही लगातार बारिश के कारण भिवंडी शहर के कामवारी नदी अपने उफान पर। अराई ब्लॉक मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पर आशा सहयोगिनियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हेल्दी लीवर को लेकर चर्चा की गई। बेमेतरा मुख्यालय के समीपवर्ती गांव रजकुड़ी में निर्माणाधीन पुल की स्थिति धसकने की हो गई। ठेकेदार की मनमानी और लापरवाही को आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप बने रहिएगा न्यूज 21 के साथ।